मजीद और गाढ़ा और बेहतरीन तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको स्पून के ऊपर डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया कि वो स्पून को भी टच नहीं कर रहा है। ये देखिए गाढ़ा होने की निशानी ये होती है कि जैसे कि शैम्पू चमचे से गिरते हुए आपको बल्ब बनाता हुआ दिखा रहा है। ये देखिए ये बेहतरीन इस टाइम समझेंगे गाढ़ा ब्रांड शैम्पू की तरह। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस आइडियाज़ फ़ौरान में आज मैंने कहा आपको बड़ा बैच हर्बल शैम्पू का बनाना सिखाएं, क्योंकि कुछ लोगों की ये मिस्टेक्स आ रही हैं कि लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बन नहीं रहा। कोई कहता है हमारा पतला हो गया है, कोई कहता है कि हमारे से गाढ़ा नहीं हो रहा। तो इस वजह से डिमांड के ऊपर जो है लोगों की कि फ़रहान भाई आप बड़ा बैच बना के दिखाएं, तो मैंने इस दफ़ा आपको जो है बड़ा बैच हर्बल शैम्पू का बना के दिखा रहे हैं। इसके अंदर पानी और हर्बल्स का पानी और शैम्पू बेस को हमने पहले से ही हल करके रखा हुआ है, तो बकाया आगे के जो केमिकल स्टेप्स हैं वो सारे आपको बनाना सिखाते हैं कि किस तरह हमने चीज़ें डालनी है और कैसे इसको गाढ़ा करना है। चलें हम शुरू करते हैं, अपनी फार्मुलेशन की तरफ चलते हैं। चलें हम अपनी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो हर्बल का पानी है ये हमने 4 से 5 दिन पहले जो है हर्बल्स को पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था, फिर उसके बाद हमने इसको कम से कम एक एक दो दो बॉयल दे के इस पानी को अच्छी तरह हमने पका लिया है। पकाने के बाद इस पानी का हमने छान किया, छानने के बाद हमने ये सेट जो बना रहे हैं, हमने इस हर्बल का पानी इसके अंदर इस्तेमाल किया है। 28 किलो पानी है इसके अंदर, यानी कि ये हमारा 28 किलो हर्बल का पानी आ गया और इसका टोटल जो हमारा सेट बनेगा वो 40 से 45 किलो का सेट तैयार होगा हर्बल शैम्पू का। तो कुछ लोगों को ये परेशानी आ रही थी कि वो जब बड़ा बैच बनाते थे तो उनसे बनता नहीं है, किसी से गाढ़ा नहीं होता, कोई मसला मसाइल बताता है कि बाल रफ हो रहे हैं, कोई नमक बहुत ज़्यादा डाल देता है जिस वजह से वो सारा जो शैम्पू है वो ख़त्म हो जाता है और वो तैयार ही नहीं होता, मतलब है कि वो पतला ही रह जाता है, वो गाढ़ा नहीं होता। तो आज मैं आपको बड़ा बैच भी बना के दिखा देता हूँ। ये बड़ा बैच जो है ये 45 किलो के करीब का बैच तैयार होगा। हमने इसके अंदर 28 किलो हर्ब्स का पानी लिया। ये देखें ये हर्बल्स का पानी है, ये देखें, और ये जो इसके ऊपर झाग बन रहा है ये रीठे का झाग है। रीठा आपको पता है एक ऑर्गेनिक जो है फोमिंग एजेंट है, तो ये उसका झाग तैयार हुआ हुआ है इसके अंदर। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो है हमने 2 दिन पहले हर्बल्स का पानी जब बिल्कुल ठंडा हो गया तो हमने इसके अंदर 4 किलो शैम्पू बेस यानी 4 किलो SLES डाल के और इसको अच्छी तरह हिला के छोड़ दी थी। ये कम से कम इसने 48 घंटे के अंदर बिल्कुल ये पानी के अंदर हल हो चुकी है शैम्पू बेस। हमने एडवांस में इसके अंदर हल करके रखी हुई है बेस, ताकि वीडियो बनाते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4 किलो बेस को कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे लगातार इसको हल करते हुए। तो हमने एडवांस में ही इसके अंदर बेस डाल के और इसको हल होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी और अब हम बकाए के इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे ताकि ये जल्द से जल्द हमारा हर्बल शैम्पू जो है वो रेडी हो जाए और यानी कम्प्लीट हो जाए। चले आए हम नेक्स्ट इसके केमिकल्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए शैम्पू बेस के बाद हम दूसरा जो केमिकल इसके अंदर यूज़ करेंगे, एजेंट यूज़ करेंगे, वो है CDEA। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं CDEA, और या तो आपके पास अगर आपको ये नहीं मिलता शहर से, ये बहुत अच्छा है, एक थिकनर एजेंट है इसके लिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और KD को भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 1200 ग्राम। जी हम 1200 ग्राम जो है वो CDEA डाल रहे हैं इसके अंदर। ये शॉपर बैग्स में इसलिए मैंने पैकिंग की हुई थी कि बॉटल्स के अंदर आपको पता है ये लग जाता है, तो शॉपर बैग के अंदर ये है कि आपका अच्छी तरह शॉपर बैग जो है वो खाली हो जाता है, एक एक कतरा निकल जाता है उसके अंदर से। तो ये हमने इसके अंदर 1200 ग्राम जो है CDEA डाल दी है। ये बहुत अच्छा थिकनिंग एजेंट है इसके लिए। उसके बाद अब हम दूसरी आइटम डालेंगे, इसको पहले हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे कोको बिटेन। ये भी बेहतरीन एक फोमिंग एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि हम इसके अंदर यूज करेंगे 1200 ग्राम। ये हम 1200 ग्राम जो है कोको बिटेन डाल रहे हैं। ये ओरिजिनल जर्मनी की है, जितनी भी आइटम्स मैं यूज कर रहा हूँ जो हमारे पास होती हैं हमारी अपनी, ये जर्मनी की आइटम्स हैं सारी की सारी, कोई चाइना लोकल हम यूज नहीं करते अपने शैम्पू के अंदर। तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जर्मनी की क्वालिटी के होंगे 100%, और आपको ये 1-1 kg की पैकिंग में भी हमसे मिल जाएंगे, और हमारा इस चीज़ का ये होलसेल काम है। वो मिक्स कर देंगे लेकिन दरमियाने स्लो हाथ से।
उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पर्ल, ये बहुत खूबसूरती देती है आपकी प्रोडक्ट को और शैम्पू की एक खूबसूरत लुक निकल आती है इस पर्ल से। ये जर्मनी की क्वालिटी की पर्ल है, आप देखें कितनी मिल्की वाइट है। और ये भी हम इसके अंदर 1200 ग्राम यूज करेंगे। इसको भी हम हल्का हल्का मिक्स कर देंगे। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद जो है, आपने हर्बल का पानी देखा होगा बहुत डार्क ब्लैक कलर का था, लेकिन इसके डलने के बाद एक लाइट ब्राउन और खूबसूरत सा एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको, जरा ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर। और आप ये देखिए, मैं नॉर्मली एक वुड की स्टिक है मेरे पास जिससे मैं ये बना रहा हूँ, कोई ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। और देख लें कम से कम 40-50 किलो का बैच है ये, और इजीली जो है वो एक स्टिक के जरिए मैं इसको कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह आपके सामने। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल ग्लिसरीन। ये ओरिजिनल फूड ग्रेड ग्लिसरीन है मलेशिया की, ये लोकल इंडस्ट्रियल ग्रेड ग्लिसरीन नहीं है। देखें शीशे की तरह वाइट है बिल्कुल। आपने हमेशा जब भी शैम्पू में यूज करनी है ये वाली करनी है, अगर लोकल वाली आपको कहीं से मिलती है हल्की येलो कलर में, ये वो आपने ग्लिसरीन इसके अंदर यूज नहीं करनी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत है। वो सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए होती है, वो बालों पे और फेस पे और इन चीजों पे लगाने में काम नहीं आती, वो नुकसानदेह है। तो ये देखें ये शीशे की तरह क्रिस्टल ग्लिसरीन है बिल्कुल, और ये आपको बहुत कम मार्केट से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमसे मिल जाएगी, मलेशिया की ओरिजिनल ग्लिसरीन है ये। ये भी हम इसके अंदर 1200 ग्राम ऐड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक मॉइस्चर बालों को देता है, ग्लिसरीन जो है ये बहुत अच्छी एक मॉइस्चराइजिंग का एजेंट है जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम एक और आइटम डालते हैं। उसके बाद हम ये डालेंगे मलेशिया की सिल्की। ये सिल्की का थोड़ा सा कलर जो है वो मेरे पास पुरानी थी, इस वजह से ये डार्क येलो शेप में आ गई, वरना ये लाइट सी येलो कलर में होती है सिल्की, गाढ़ी गाढ़ी सी, ये थिक थिक सी होती है। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा इसको। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे सिल्की को, 400 ग्राम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलमंड सॉल्यूशन। ये आलमंड ऑयल नहीं है, ये आलमंड का सॉल्यूशन है, ये जर्मनी का आता है, और ये आपके बालों के लिए, बालों की ताकत के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसको यूज़ करना चाहिए अपने शैम्पू में, क्योंकि बड़े ब्रांड्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं, वो कोकोनट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, आलमंड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो है उनको पता नहीं चलता कि सॉल्यूशन क्या है और ऑयल क्या है, वो उसकी जगह आलमंड या कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेते हैं और उनका टोटली जो है शैम्पू ख़राब हो जाता है, उससे गाढ़ा नहीं रहता, फंगस या बदबू पड़ जाती है शैम्पू के अंदर। तो ये आलमंड सॉल्यूशन आपको यूज़ करना चाहिए, ये जर्मनी की प्रोडक्ट है। ये भी हम इसके अंदर 400 ग्राम ऐड करेंगे। अब हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 400 ग्राम ZP11। ये देखें ये ZP11 है, इसको हम 400 ग्राम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये 400 ग्राम हमने ZP11 ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सिलिकॉन कंडीशनर। ये देखेंगे कितना इसके अंदर बबल्स होते हैं, इसकी निशानी है कि इसमें बबल्स होते हैं, और ये काफी थिक होता है। ये देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिलिकॉन कंडीशनर है। ये भी हम इसके अंदर जो है 400 ग्राम ऐड करेंगे इसमें। ये 400 ग्राम हमने सिलिकॉन कंडीशनर ऐड कर दिया, इसको हम जरा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि काफी थिक एजेंट है। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे लैलोलिन जेल। ये आपके लिए डेंड्रफ के लिए भी बड़ी बेहतरीन है और ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है, ये लाजमी यूज किया करें अपने शैम्पू के अंदर। ये लैलोलिन जेल है, ये भी काफी थिक एजेंट है। ये भी हम इसके अंदर 400 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। ये 400 ग्राम हमने इसके अंदर लैलोलिन डाल दिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे PQ11। ये बड़ा गाढ़ा और स्टिकी सा होता है, और ये इसके फायदा क्या है कि जब हम इसके अंदर PQ11 डालते हैं तो ये बालों को स्मूथ और सिल्की शाइनिंग करता है। और जब हम बालों को वॉश कर रहे होते हैं तो आपको बहुत आराम से नरम, जैसे ब्रांड शैम्पूज के अंदर आपका हाथ चलता है उसको वॉश करते हुए, जब आप उसको लगाते हैं उसको फिर पानी से वॉश करते हैं तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं, कंडीशनर स्टाइल के हो जाते हैं। तो ये उसके लिए होता है। PQ11 है ये, PQ7 नहीं डालना, PQ7 इसकी कॉपी है और मार्केट में वो बिकती है PQ7 के नाम से, और वो सस्ती प्रोडक्ट है।
और ये ओरिजिनल जर्मनी की प्रोडक्ट है PQ11, और यही डालेंगे जो है आपका कंडीशनिंग का मेन एजेंट है। ये भी हम इसके अंदर 1200 ग्राम ऐड करेंगे। ये देखें, ये भी काफ़ी गाढ़ा सा होता है, ग्लैस्ट्रीन से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये सिलिकॉन जैसा गाढ़ा होता है। ये देखें, ये भी हम इसके अंदर 1200 ग्राम ऐड कर रहे हैं। बैग का यही फ़ायदा होता है कि ये अच्छी तरह जो है हर चीज़ खाली हो जाती है, और अगर ये इस टाइम बॉटल में होता तो कम अज़ कम 20-30 ग्राम 40 ग्राम बॉटल में लगा रह जाता। ये देखें ना कितना गाढ़ा है, ये देखें। तो ये इस वजह से शॉपर बैग्स के अंदर पैक करके मैं लेके आया था, कि मैंने कहा आपको तसल्ली से इन चीज़ों के बारे में भी गाइड करूं और बना के भी दिखाऊं। इसके बाद हम एक दूसरी आइटम डालते हैं इसमें। उसके बाद अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई ऑयल जो है वो आपकी बालों की ताकत के लिए होता है, आपके स्केल के लिए होता है, और ये बहुत ज़रूरी है शैम्पू के अंदर डालना। और ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 200 ग्राम विटामिन ई ऑयल यूज़ करेंगे। ये देखेंगे कितना गाढ़ा होता है विटामिन ई ऑयल। हम इसके अंदर 200 ग्राम डाल रहे हैं, ये 200 ग्राम हमने इसमें विटामिन ई डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह हल कर देंगे इसमें। उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है, लोग वो घरेलू नमक और दूसरा नमक दानेदार वाला यूज़ करते हैं, और वो जब शैम्पू में डायरेक्ट डालते हैं तो उसका ये नुकसान होता है कि वो नीचे जाके बैठ जाता है, और बैठने के बाद गाढ़ा तो हो जाता है उनका शैम्पू, लेकिन अगले दिन वो पतला हो जाता है। फिर उनकी शिकायत आती है कि भाई हमारा शैम्पू पतला हो गया, पहले गाढ़ा था, 24 घंटे के बाद उल्टा वो पतला हो गया। तो यही मसला जो है वो आप लोगों को समझाना है कि भाई सोडियम क्लोराइड यूज़ करें, सोडियम क्लोराइड लें, वो लेके उसको आप क्या नाम है एक बॉक्स डब्बे में डालें। जैसे कि ये मैंने एक खुला डब्बा लिया, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये सोडियम क्लोराइड इसके अंदर हमने डाल के, अब इसके लिए जो है हम कम अज़ कम इसके लिए हम शैम्पू में से ही, जो हमने ये शैम्पू तैयार किया है इसी के अंदर से ही हम लिक्विड लेंगे। लिक्विड कम अज़ कम आधा एक किलो या किलो जितना लिक्विड लेके इसी में ही इसको हल करेंगे। अलग से पानी नहीं लेना इसके लिए, आपने इसी को ही लेके हल करना है अच्छी तरह, ताकि ये आपका एक्स्ट्रा पानी ना जाए इसके अंदर। अब क्योंकि जब चीज़ें सारी डल जाती हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब हम ये इसी के ही शैम्पू के पानी में ही जो हमने बनाया है इसको इसी के अंदर ही डाल के, नमक को जो हमने इसके अंदर डाल दिया है सोडियम क्लोराइड, वो अच्छी तरह इसके लिए हल करेंगे। ये देखेंगे शैम्पू पहले थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, उसके बाद ये भी पानी होने लग गया इसके अंदर। ये देखें ये पानी इस तरह का हो जाएगा, जैसे ये कलर है, ये देखें लाइट ब्राउन सा जब पतला हो जाएगा। तो नमक को इसके अंदर अच्छी तरह हल करना है आपने, सोडियम क्लोराइड ये नमक ही होता है, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड एक फॉर्म अलग है, ठीक है, एक खाने वाला नमक अलग होता है, ये अलग फॉर्म है। तो इसके साथ आप इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखें, ये मैं इसको गाढ़ा कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई ऐसा थिकनर एजेंट हम नहीं डाल रहे, कोई जैंथिंग गम, ग्वार गम, कोई ऐसी गम पाउडर या CMC पाउडर, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे जिससे ये नुकसान हो, क्योंकि वो चीज़ें कभी भी इसके अंदर डल के लॉन्ग टाइम नहीं चलती, वो जल्दी एक्सपायर कर देती हैं इसको। और जितना हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं एक लिमिट से डालते हैं, इसका वजन करके डालते हैं कि आया कि ये शैम्पू कभी भी इससे ना बालों को नुकसान होगा ना ही आपका शैम्पू ख़राब होगा। अब मैं कम से कम इसको 10 मिनट तक इसको हल करूँगा ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए नमक इसके अंदर, और उसके बाद जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब देखें, हम इसको थोड़ा तो इस तरह डालेंगे इसके अंदर और फिर हम इसको हिलाएंगे। लास्ट का हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में अक्सर सोडियम क्लोराइड बैठा हुआ होता है, तो उसको मज़ीद डाल के उसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा बहुत ये देखें बैठा हुआ है, इसको मज़ीद इसके अंदर शैम्पू ऐड करके ना फिर इसको हल करेंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। अभी फोमिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या टेक्सचर है, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ इसका फोम हटा के। चलिए, अब हम इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फोम भी इसका मैंने उतार लिया ताकि आपको वीडियो में नजर आ जाए, थोड़ा थोड़ा रखा है ऊपर फोम। ये देखें, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है टेक्सचर तैयार हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थिकनेस, ये देखिए मैं जार डब्बे से चेक कराता हूँ आपको इसको। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका
टेक्सचर तैयार हुआ है, ये देखें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इसको और मज़ीद, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें। अगर हम इससे ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें। इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड जो अभी ऐड किया है 40 से 45 किलो के लिए जो हमने ऐड किया है वो किया है सिर्फ 400 ग्राम ओनली, 400 ग्राम सोडियम क्लोराइड में देखें कितना बेहतरीन ये गाढ़ा हुआ है। मज़ीद हम इसके अंदर 50-60 ग्राम और डालेंगे ताकि इसको और मज़ीद थिक कर सकें हम इसको। ये देखें 50 ग्राम और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड करें, वही वाला काम करेंगे, थोड़ा सा शैम्पू लिया हमने उसी के अंदर ये हमने सोडियम डाल दिया। सोडियम डालने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पहले वही जैसे पुराना तरीका जो मैंने पहले आपको करके दिखाया, ये देखें जैसे इसके अंदर डाला था इसके अंदर आप बिल्कुल पतला कर दिया पानी की तरह, इसके अंदर अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह ही, पहले की तरह हम इसके अंदर डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है हल हो जाए। इसके अंदर लास्ट का थोड़ा सा रोक लेंगे क्योंकि लास्ट में आपको पता है बैठा हुआ नमक होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें बेहतरीन और मजीद गाढ़ा हो गया, मजीद और गाढ़ा और बेहतरीन तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको स्पून के ऊपर डाल के दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें इतना गाढ़ा हो गया कि वो स्पून को भी टच नहीं कर रहा है, ये देखें। और मजीद करीब से दिखाता हूँ इसका टेक्सचर, देखें ये देखें गाढ़ा होने की निशानी ये होती है कि जैसे ये शैम्पू चमचे से गिरते हुए आपको बल्ब बनाता हुआ दिखा रहा है, ये देखेंगे बेहतरीन इस टाइम समझेंगे गाढ़ा ब्रांड शैम्पू की तरह, ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ, ये देखें। ये हमारा बेहतरीन शैम्पू जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है फार्मोलिन का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और लास्ट में इसमें खुशबू और फार्मोलिन ऐड करेंगे। ये खुशबू है 1 kg की पैकिंग है, हम इसकी कंपनी शो नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी खुद इंपोर्ट कर रहे हैं खुशबू, ये 1 kg की पैकिंग है इसकी। और ये हमारे जो हर्बल शैम्पू में हम यूज़ करते हैं सिर्फ हम जिनको बना कर देते हैं पार्टियों को खुद मेकिंग करके तब हम ये खुशबू ऐड करके देते हैं, वैसे हम ये खुशबू किसी को नहीं देते क्योंकि ये हमारी अपनी इम्पोर्ट है। और ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 200 ग्राम खुशबू हम इसके अंदर ऐड करेंगे पहले। ये देखें ये हमने खुशबू ले ली है 200 ग्राम और ये 200 ग्राम हम शैम्पू में ऐड कर रहे हैं, बहुत क्लास की हमारी ये खुशबू है, इसकी महक। और ये मतलब आपके जो हर्बल्स का पानी है जो आपका हर्बल शैम्पू है एक तो उसको भी नुमाया करती है ये खुशबू, और मतलब एक देसी लुक नहीं देती, ब्रांड शैम्पू के स्टाइल की खुशबू है और आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी ख़त्म नहीं करती ये खुशबू। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखेंगे शैम्पू का टेक्सचर भी ये खुशबू ख़राब नहीं करती और ना ही इसको पतला करती है इस चीज़, और बकाया जो लोकल खुशबूएं होती हैं वो शैम्पू को पतला भी कर देती हैं, सारा बेकार कर देती हैं। ये देखें शैम्पू वहीं का वहीं वैसा का वैसा गाढ़ा है और 200 ग्राम हमने इसके अंदर खुशबू ऐड की है, ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक और बेहतरीन जो है अभी भी गाढ़ा है ये, और इसको ज़रा सा भी असर नहीं हुआ और बहुत बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है इस टाइम शैम्पू में से, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही है माशाल्लाह। ये प्रिजर्वेटिव है फॉर्मुलिन, ये ताइवान क्वालिटी का होता है। हम ये इसके अंदर यूज़ करेंगे 100 ग्राम हम इसके लिए यूज़ करेंगे, और इसको 100 ग्राम यूज़ करने से आपकी प्रोडक्ट की जो लॉन्ग लास्टिंग है ये कम अज़ कम आपका 2 साल तक ये प्रिजर्व रहेगा, 2 साल तक ना ये सड़ेगा ना इसमें बदबू होगी ना फंगस आएगी, और ये लॉन्ग टाइम तक आपकी प्रोडक्ट जो है ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी जैसे आज बनाई है। ये बालों को कोई नुकसान नहीं देती, बालों को स्मूथ सिल्की शाइन, इसके अंदर जो हमने लास्ट के प्रोडक्ट डाले जिस तरह के हमने इसके अंदर डाला ऑलमंड सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, लेलोलिन इसके अंदर डाली, सिलिकॉन कंडीशनर द बेस्ट प्रोडक्ट बालों के लिए, इसके अलावा हमने इसके अंदर PQ11 डाला, कंडीशनिंग का सबसे बेहतरीन एजेंट है वो डालना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के देसी शैम्पूओं में से एक आपको लोग क्या शिकायत आती है कि बाल रफ हो गए, टूट रहे हैं, सिल्की नहीं हो रहे, धुलने के बाद चूं चूं हो गए हैं बाल, अजीब से हो गए हैं,
तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट की ये 5-6 प्रोडक्ट हैं, इसको लाजमी यूज़ करें, इसको लाजमी अपने शैम्पू में डालें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई केमिकल एजेंट्स नहीं है, ये तमाम ऑर्गेनिक के लिए ही हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने शैम्पू में। जो लोग कहते हैं जी नहीं, हम तो हर्बल के पानी के अंदर अगर इतनी चीज़ें डालेंगे तो वो हर्बल कैसे रहेगा? मेरे भाई, जब आप उसके अंदर शैम्पू बेस डालेंगे, उसके अंदर SLES डालेंगे, उसकी pH कैसे मेंटेन करेंगे? जब उसके अंदर आप CDEA डाल रहे हैं, कोकोबिटेन डाल रहे हैं, उनकी pH कैसे बैलेंस करेंगे, उनका हार्शपन कैसे बैलेंस करेंगे? तो ये चीज़ें जब आप एंड की डालते हैं तो वो प्रोडक्ट को आपकी ऑर्गेनिक ही रहती है, कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आप सोडियम लॉरल सल्फेट इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो उसको pH बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम ये डालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शैम्पू की pH भी जो है वो 6 आती है, परफेक्ट है, क्योंकि हमारी फॉर्मुलेशन की जो रेसिपी है बनी हुई है और हमारी जो मिकदार है, जो हम हर चीज़ एक मेजरमेंट, एक वज़न के हिसाब से यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि सोडियम क्लोराइड को भी हम वज़न के हिसाब से यूज़ करते हैं। इस टाइम इस पूरे बैच के अंदर जो सोडियम क्लोराइड यूज़ हुआ है वो 450 ग्राम ओनली यूज़ हुआ है, और 450 ग्राम के अंदर ये आपका 45 किलो यानी 45 kg का बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। अब लास्ट हम प्रोडक्ट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं फॉर्मोलिन, और फॉर्मोलिन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपका कोई बालों को नुकसान नहीं देता। ये चले हम इसके अंदर 100 ग्राम फॉर्मुलिन ऐड करते हैं। ये हमने 100 ग्राम जो है इसके अंदर फॉर्मुलिन ऐड कर दिया। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसके अंदर, से हमारी चीज पतली नहीं हुई, ना खुशबू से पतली हुई, ना फॉर्मुलिन से पतली हुई। लोगों की बड़ी शिकायत है, लोग इधर उधर से स्टॉक खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर वो क्या फरहान भाई को फ़ोन कर देते हैं कि फरहान भाई, हमने आपकी फॉर्मुलेशन से चीज़ बनाई थी और वो गाढ़ी नहीं हुई। भाई, आप जब इधर उधर से चीज़ें ले लेंगे, फॉर्मुलेशन खुद अपनी तरफ से बना के उसको तैयार करेंगे, या आप किसी भी ऐरी गैरी शॉप से आप चीज़ें परचेज कर लेते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है और वो आपको चीज़ें पेल देते हैं, तो भाई ऐसा ही होगा फिर आपके साथ। आपकी चीज़ पतली हो जाएगी, आपकी चीज़ गाढ़ी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट उस मेयार पे नहीं बनेगी जिस मेयार की हमारी बन रही है। और ये मैंने जस्ट आपको इसी वजह से 40-50 किलो का बैच का सैंपल बना के दिखाया है ताकि यार आपको खुद भी बनाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियों को बना बनाया 150 किलो की पैकिंग के ड्रम, आपको मैंने पहले भी शो कराए, में 150 किलो की पैकिंग के ड्रम जो हैं वो हमारे से जाते हैं, 150 किलो। हर्बल शैम्पू की बात कर रहा हूँ, दूसरे सिंपल शैम्पू तो बहुत ज़्यादा बिकता है हमारा, तो ये ऑर्गेनिक शैम्पू हमसे बन बन के कंपनियों को जा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं और वो लोग इसको बना बनाया लेके पैकिंग करके बेच रहे हैं। आप ये देखें कि हमने तो अपनी ओरिजिनल जेन्युइन 100% जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपर दे दी है आपको चैनल के ऊपर, यानी कि अगर आपको इसका स्टॉक भी चाहिए होगा तो वो प्रॉपर बॉटल्स के अंदर पैक होके आएगा, ऐसे शॉपरों में नहीं आएगा। ये तो शॉपरों में तो मैंने बनाने के लिए यूज़ किया है, आपको प्रॉपर बॉटल्स के अंदर पैक होके आएगा हमारा सेट। उसके अंदर 15 के 15 इंग्रेडिएंट होंगे, यहाँ तक खुशबू से लगा के, आपके खुशबू से लेके प्रिजर्वेटिव और शैम्पू में हर चीज़ 15 की 15 चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो आपको अगर चाहिए हो, प्रोडक्ट चाहिए हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-22-90-974, और सिंपल कॉल करके भी आप इस पे ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा ऑनलाइन सेटअप है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, TCS लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सारी हमारे पास मौजूद हैं, एक दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, पेमेंट देने के बाद एडवांस कैश पर काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को मेरे से ये प्रोडक्ट जा रही है और जो लोग बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनके पास ये जाके A+ क्वालिटी का तैयार होता है। और आज मैंने हर चीज़ आपको मेजरमेंट करके दिखा दी है इसके अंदर, ताकि कोई अगला बनाना भी चाहे तो मेरी वीडियो को वॉच करे और इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों से तैयार कर ले उसको। अब हम इसका लास्ट आखिरी टेक्सचर दिखाते हैं, फिर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ये देखें, आपको इससे डब्बे से दिखाता हूँ जरा उठा के, ये देखिए बहुत खूबसूरत शाइनी पर्ल, बहुत हसीन शैम्पू तैयार हुआ है माशाल्लाह। और ये एक ब्रांड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, और ये और दूसरी बात, ब्रांड के तो होते ही सारे केमिकल से तैयार हुए हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका है भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के पानी से आपने जो कहवा हमने तैयार किया था उस कहवे के अंदर हमने इसको तैयार किया,
तो ये बहुत ए प्लस क्वालिटी का शैम्पू है, और किसी को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी चाहिए तो हमारी 1 kg की पैकिंग वो हमसे मंगवा सकता है, 1 kg भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। 1 kg की पैकिंग है, 5 kg की पैकिंग है, 10 kg का कैन है होलसेल के अंदर, ठीक है, और फिर उससे बड़ा 150 kg की हमारी कैन होती है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो और हमारी मेरी मेकिंग जो है वो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।